इंडिया कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं और मेरी टीम हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं पर मैंने ये नोटिस किया कि एट्टी लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है और बेहतर गैस लाने में और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को मैं बेहतर करते जाऊँगा हर वीक और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे बेहतर पॉडकास्ट कभी कहीं और नहीं मिलेगा इन फ्यूचर येस लेडीज एंड जेंटलमैन आज वो एपिसोड है जिसमें हमने हमारी बकेट लिस्ट को टिक किया है विथ डॉक्टर एस जय शंकर आज का एपिसोड मेरी लाइफ का सबसे नर्वस और सबसे डिफिकल्ट एपिसोड था क्योंकि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था कि मैं इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतने ऑनर्ड गेस्ट से कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उनका फैन भी हूँ और एट द सेम टाइम मुझे एक जॉब भी करना है पॉडकास्ट के थ्रू ताकि मैं उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूँ और आपको समझा पाऊँ कि देश में कैसे फॉरन मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है हमने ये सब पूछा है कि पाकिस्तान जब अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है जब चाइना अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है ऐसा क्यों हमने ये पूछा है कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही वेपन्स देने में दूसरे वॉर्स को बिज़ी हैं तो इंडिया को इस टाइम पे वेपन्स कौन देगा इंडिया टेररिज्म के लिए क्या कर रहा है इंडिया अपने लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है इंडिया ट्रेड कैसे बढ़ाएगा चाइना जो पूरे वर्ल्ड में अपना डेट ट्रैप बढ़ा रहा है दूसरी कंट्रीज़ को कर्ज़ देके उनको अपने कब्जे में करते जा रहा है उसको इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी टॉप थ्री अंडर कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए फॉरन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके पास इतना डेटा है उनके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है हमने ये भी पूछा है कि यू वीज़ा जिसको लेके हम सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट इंडियन ड्रीम के बारे में है तो हमने पूछा है डॉक्टर एस जे शंकर का इंडियन ड्रीम क्या है और उस इंडियन ड्रीम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं इन्जॉय द शो बिफोर यू डू दैट गो सब्सक्राइब राजमानी क्लिप्स और राजमानी शॉर्ट चैनल क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं और छोटे समय में कोशिश करते हैं कि आप एक बेहतर लीडर बन पाए थैंक यू सो मच ये करने के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ बट एट द सेम टाइम बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आज सुबह मेरे पापा को बता रहा था माई डैड इज ऑल्सो योर अच्छा विथ मी फर्स्ट टाइम और क्या करते हैं मेरे बाबा बिजनेस करते हैं अच्छा? इंदौर में He's right there. He's there. Oh, <laughs> अच्छा आप इंदौर के हैं हाँ अच्छा <laughs> अच्छा चलिए तो आप गए इंदौर हाँ हाँ हमारा हम लोगों ने पिछले साल वो प्रवासी भारतीय दिवस किया था ना तो so, उसके उस समय गए थे और उस समय मुझे अभी भी याद है हम लोग वो छप्पन दुकान गए थे अच्छा आई डजेंट लाइक बट मेरी प्रॉब्लम यही थी कि पहले जगह जो गए मैंने किसी ने ज्यादा पहचाना नहीं आप जब तक हम दूसरी तीसरी जगह गए तब तक ने पहचान लिया लोगों ने पहचान लिया एक दो जब फोटो लेने लग गए ना तो आजकल कोई भी फोटो शुरू करता है तो नेक्स्ट पर्सन इमीडिएटली पता hmm. है नहीं पता है वो आ जाते हैं <laughs> तो उसके बाद हमें बीच में छोड़ना पड़ा चलिए ओके लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट लॉडेबल सक्सेस दैट यू हैड एट लीस्ट इन द सर्कल्स एंड इन माई ऑडियंस कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर इट इज़ की बहुत क्लियर बताया कि इंडिया विल टेक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन बो डाउन टू एनी वन एल्स और किसी भी हम किसी भी बड़े सुपर पावर ना रशिया ना यू एस नाम बकल डाउन नहीं हुए हमने सबसे बहुत अच्छे से वो किया सो इफ आई मे आज पर्सनली किसका डिसीजन था ये स्टैंड लेना वॉट इट योर डिसीजन वज इट कैबिनेट का साथ में कि वॉज इट पी एम मोदी डिसीजन ये जो लाइक इज वाई एम आस्किंग दिस कि ऑन द सोशल चैटर एंड एवरीबडी यू मीट जितने लोगों से आप मिलते हो उन लोगों को ये वे बहुत करेक्ट लग रहा है एंड फाइनली ये न्यू इंडिया का जो बोल्ड रूप है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग सो सो लेट मी गिव टू थ्री कमेंट्स ऑन इट सी समाइम्स यू नो द सेम थिंग ये जो हमने जो तेल लिया था रशिया के साथ हम चला के इसे भी ले सकते थे वी कूड एव सेट सम थी कुड डन समथिंग एक्सेट्रा इट वुड नॉट हैव बीन मेंनेबल कहीं ना कहीं दुनिया पैचा, समझ, लेती. समझ जाती सेकेंडली अ कंट्री लाइक इंडिया शुड नॉट डू इट ऑल्सो यू नो टूडे वी आर अ बिग कंट्री आई मीन वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमीज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री वी आर लुकिंग एट अ ग्रेट फ्यूचर अहैड सो ये डर डर के जो यू नो यू कै नॉट राइज विद आउट बींग क्लियर एंड थर्ड यू नो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट दट अगर हम लोगों को समझाएं, देखिए मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ ये प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं कभी पर जब मैं जो दूसरे सरकारों के साथ बैठ के आई एक्सप्लेन टू देम यू नो आई टल दम देखिए आप जो है रशिया से तेल और गैस लेते थे लेना आपने बंद कर दिया या कम कर दिया तो आपने क्या किया आप गल्फ गए और आपके जाने से वहाँ के दाम बढ़ गए बढ़ गए अब हम लोग वहाँ जाते थे तो हमारा दाम आपने बढ़ा दिया और फिर आप कहते हैं कि आप कहीं और से भी नहीं ले तो आप हमारी पोजीशन समझिए ना और तो अगर मैं आपको उल्टा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने रशिया से गैस नहीं लिया और ऑयल नहीं लिया और आप हम दुनिया में अभी टॉप ऑयल कंज्यूमर्स इम्पोर्टर्स में हैं तो ऑयल और मार्केट्स एनर्जी मार्केट्स का क्या होता माने पूरे दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ जाती तो हमने तो आपका एक किस्म से एहसान किया कि वी एव एक्चुअली स्टेबलाइज द मार्केट्स अब बैठ के उनको समझाएं लॉजिकली तो उनके पास जवाब नहीं होता बट आई फील यू नो इवन इवन आपने यूक्रेन की बात की बट इवन से चाइना दट अगर चाइना जो है बॉर्डर बॉर्डर पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विथ चाइना कि भाई तुम कर कर क्या रहो एंड इफ यू डू दिस दे विल बी कॉन्सिक्वानशियस तो आई आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट की यू नो पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस एंड योर क्वेश्चन की आपकी सोच है मोदी जी की है कैबिनेट की वेन यू हैव अ टीम लाइक दिस अंडर अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस बिकॉज लॉट ऑफ दिस इज हम लोग मिलते रहते हैं वी इंटरक्ट विध इच अदर देर इज अ काइंड ऑफ अ गवमेंट फील्ड यू ऑटोमेटिकली उसको आप इंटरनलाइज करते हैं तो जब समय आता है कुछ कहने का यू आर एक्सप्रेसिंग यू नो आई एम सी पीपल में से आई सेड इट बट आप ये भी जरूर मानेंगे कि आई एक्सप्रेस वॉट इज एक्चुअली द मूड ऑफ द कंट्री आई मीन दिस इज दिस वॉज नॉट यू नो जयशंकर पर्सनल व्यू आई आई थिंक द रीजन पीपल रेस्पॉन्डेड वॉज एवरीबडी साइड हाँ भाई यही कहना चाहिए दिस इज दिस इज वॉट वी ऑल भारत के लिए लॉजिकली हाँ यू नो इस पे एक क्वेश्चन है कि जो रशिया और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे रशिया के साथ जो हमारी वेपन्स डील्स थी वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही जितना हमने सोचा था एंड रशिया का फोकस अब उनके वॉर को वेपन्स बनाने में हो गया है राइट एंड एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूक्रेन के पास वेपन्स दे रहा है और वो ज़्यादा अच्छे से उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एट द सेम टाइम वो गाज़ा पे भी कर रहे हैं और इन सब के बीच में चाइना अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मेकिंग द मिलिट्री पावर तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी क्या कर सकते हैं हम क्योंकि हम इस टाइम पे भरोसा नहीं कर सकते कि रशिया हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि वो खुद का वॉर फंड कर रहे हैं ना ही हम वेस्टर्न कंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि वो दो वॉर्स सपोर्ट कर रहे हैं गाज़ा और यूक्रेन तो इस टाइम पर इंडिया क्या कर करेगा आपको क्या लगता है आ, एक तो ऐसा है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अभी जारी है ये नहीं है कि डिफेंस ट्रेड बिल्कुल बंद हो चुका है हुँ. कि डिफेंस ट्रेड वेस्टर्न का भी हो या रूस का भी हो उनके जो उत्पादन जो है इट इज़ सो बिग दैट वो युद्ध भी लड़ सकते हैं इन सम एरियाज़ कुछ एरियाज में है हैं वो मैं ज़रूर आपका कहना ठीक है पर इसका जो सुझाव जो है इट इज़ एक्चुअली इन आत्मनिर्भरता दैट अ कंट्री लाइक इंडिया अगर आप मैं मैं आपको ये कहूँ आप to the moon you can send a mission to Mars you can send a mission you can't make weapons of course we can of course we can so what has happened you know it is a question of uh, of uh, leadership vision commitment I am convinced and this is really the feeling very much of uh, Prime minister and frankly the the whole team we are capable of much more than we have done yeah and to make एक स्टैट पड़ रहा था कि वन जब पाकिस्तान ने इंडिया के फोटी जवान्स को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड जीरो कर दिया फिर जब लेकिन चाइना ने बीस जवान को इंडिया इंडिया के बीस जवान को मारा तो उसका रिज़ल्ट यह है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है 126 बिलियन डॉलर जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है तो हम हर हमारे एनिमी के साथ या नॉट एनिमी राइट वर्ड इट्स ए हर जो हमें अटैक करता है या किसी चीज़ पे विवाद करता है उससे हम डील करने का अलग तरीका है कि हम चाइना से थोड़ा डरते हैं और बुली करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है नहीं देखिए नहीं ये नहीं ये नहीं है एक तो हर कंट्री के साथ नेचुरली तरीका अलग है रिश्ते अलग हैं उनकी क्षमता अलग है सो इफ़ एवरी थिंग वॉज सेम यू डू नॉट नीड पीपल लाइक मीन फिर तो ऑटो पायलट में चलता तो आप तो किताब निकाल लेते से, स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव मैन्यूअल ने कहा है, तो आप चला लो तो आपको वो असेसमेंट करनी होगी उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस हमारी वीकनेस व्हाट इज इस, इसके बाकी परिणाम साइड इफेक्ट क्या हो सकते जो आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ देखिए क्या हुआ है कि पिछले तीस साल में चाइना जो है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में आ गई दिया yeah. हाँ अभी अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें करीब थर्टी परसेंट से ज़्यादा चाइना में बनती तो क्या होता है कि आप कुछ भी करें बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती हा? तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली हकीक़त में हुआ है ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई तो हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है अचानक बढ़ने लग गए अब आपके अगर फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए आपको इसके बेस मटेरियल्स कहीं ए और बल्क uh, ड्रग्स कहीं ना hmm. कहीं से चाहिए थे अब ये दिस इज नॉट योर डूइंग बट द स्टेट ऑफ द इकोमी दुनिया की इकोनॉमी ऐसी है कि ओनली प्लेस वेर यू कैन गेट दैट इज़ चाइना तो इन वन वे टूडे वॉर जो चाइना के साथ जो व्यापार की चुनौती जो है जो पिछले तीस चालीस साल से हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की उसका परिणाम आप देख रहे कि अगर वही ए एक ज़माने में हम लोग ए में काफ़ी मशहूर थे hmm. हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया ये नाइनटीन और अर्ली टू में हमने दिया किया सो वॉट इज़ हैपन टुडे और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए hmm. तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के तर्क पे लोगों ने आ, माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आ, अलग अलग तरीके से बाधाएँ डाले हैं एंड दे स्लो डेड तो टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत ये इस ये जो है आप एक साल में पाँच साल में एक दशक में भी जो पिछले चालीस साल में जो हुआ है इसको आप अचानक बदल नहीं सकते इसमें समय लगेगा पर एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना देन यू विल सी द इम्पैक्ट सी सो यू आर सीइंग टूडे दैट एप्पल फोन्स आर बींग मेड इन इंडिया यू आर सीइंग एज आई सेट टुडे एक्चुअली आर एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इट इज़ बिफोर तो दिस चाइना डिपेंडेंस इज एक्चुअली नॉट ओनली इंडियाज प्रॉब्लम इट इज एक्चुअली आई मीन लुक एट अमेरिका इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका बिकॉज चाइना माने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र में है uh, तो इट हैज़ बिकम उन पर निर्भर हो गए वो लोग तो टुडे द बिग इशू इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स कि हम लोग जो हैं मल्टीपल सप्लाईट चेंज बनाए कि सप्लाई चेन एक ही नहीं होना चाहिए हर सप्लाई चेन एक सेंटर से जुड़ना नहीं चाहिए माने इट शुड बी मल्टीपल सोर्सड और ये हमारी कोशिश नो हम चाइना और इंडिया की तो बात कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन मेरे को अफ्रीका के ऊपर पे कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट कंट्रीज़ हैं राइट उनको एक थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चल जाता है जैसे इंडिया की अप्रोच है कि इंडिया जब भी एक नई कंट्री में जाता है वो लोकल इनेबलिंग करता है <laughs> वो वहाँ के लोगों को सिखाता है लोकल <laughs> बिजनेस को इनेबल करता है और वो सस्टेनेबली कैसे चला सकते हैं वो करता है वेरस चाइना वो बहुत एक साइड उनका है कि वो जाते हैं चाइनीज़ वर्कर्स के साथ उधर चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ ले जाते हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी न किसी तरह एक डेट ट्रैप में कर्ज़ में दूसरी कंट्री को फंसा देते हैं तो जब अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे हुआ है जहाँ पे गवर्नेंस के थोड़े इशू हैं इजीली कोई भी अपना काम करा सकता है फ़ोर्स करके या अलग अलग वे से तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो चाइनीज़ वे लें इंडिया वे की तरह इंडिया वे की जगह तो ऐसे टाइम पर इंडिया की क्या स्ट्रैटी रहेगी कि वो अपने आस दूसरी जो कंट्रीज़ है जो जो एलाइज है जैसे अफ्रीका की आप बात करते हो या जिनसे हमें हमारी फ़्रेंडशिप है कि वो चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स को ऐसा कर्ज़ में डुबाने से या कर्ज़ के गेम में फंसाने से रोक पाए क्योंकि चाइना ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख़ में इकोनॉमिकली और उनकी पॉकेट्स भी हमसे ज़्यादा गहरी हैं उनके पास पैसा भी ज़्यादा है तो इस टाइम पे इंडिया कैसे प्रिवेंट कर सकता है इसमें हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं और यह खाली अफ्रीका की समस्या नहीं है अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो ये ख़तरा जो है हमारे पड़ोस में भी पिछले सालों से साफ दिखाई दे रहा yes. है इसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन है कि हम अपने आप को एक किस्म से एक ऑप्शन बनाए कि अगर वहाँ कोई निर्णय ले रहा है उनको लगना चाहिए कि दुनिया में तीन चार विकल्प हैं जिसमें एक भारत भी है hmm. कुछ वेस्टर्न भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक सीरियस ऑप्शन बनाए तो आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत सारे देश एक बार आप उनको वो ऑप्शन दे दें तो उनमें जो 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 सुलझे हुए लीडरशिप जो हैं जिनको लगता है जो थोड़े अनुभवी हैं जिनका जिन्होंने पहले जिनका कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हो पहले तो वो ज़रूर इसको पहचानेंगे अब मैं पिछले दशक में मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप अफ्रीका में आप टनिया जैसे देश देखें कि उन्होंने देखा है कि डेवलपमेंट इश्यूज हो हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ वाटर प्रोजेक्ट है क्योंकि जो भी हम भारत में जल जीवन मिशन के तहत कर रहे हैं वही कैपेबिलिटी और वही एक्सपीरियंस और वही टेक्नोलॉजी जो है हम अफ्रीका में भी ऑफर कर सकते हैं तो उनको लगता है हाँ हमने देखा है कि ये लोग अपने देश में कर रहे हैं बड़े स्केल में कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर एक किस्म से इनकी ये ताकत है तो वी शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट या आ उसी देश क्योंकि मैं वो एक उदाहरण ले रहा हूँ जैसे उनका एजुकेशन तो हम चाहते थे कि कहीं अफ्रीका में क्योंकि अफ्रीकन अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है तो वो चा वो वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें तो हमने सोचा कि हम एक वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें और आईआईटी को हमने ये चुनौती दी और आईआईटी आई टी ने अभी जंजीबार में आईआईटी आई एस्टैब्लिश किया है कुछ हैं देश जिन्होंने रेलवेज़ में उन्होंने हमारा रोलिंग स्टॉक देखा है हमारे ट्रैकलेंग कैपेबिलिटीज देखे हैं कुछ ने आईटी में देखा है तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें दुनिया में क्रेडिबल ऑप्शन बनना है पहले हमें देश में दिखाना है एक बार हम अपने देश में ये दिखा पाएंगे ना तो उनको भी लगेगा क्योंकि अगर ये पेपर सोल्यूशन हो मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि साहब मैं आपके लिए रॉकेट बना सकता हूँ आप कहेंगे कि अच्छा मुझे बताओ आपने कितने रॉकेट बनाए कहाँ चलाए हाउ कॉस्ट क्या था हुँ? तो हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा ये दुनिया पर हो रहा है एक एक जो बहुत आजकल जब भी मैं बाहर जाता हूँ और ये खासकर कोविड के बाद हुआ है दुनिया की रुचि जो है हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे बहुत है उसकी नज़र हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे है और जो कारण जो है वही कारण है जो देश में हम लोग कहते हैं कि एक जगह तो उन्होंने वही शब्द भी प्रयोग किया था उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत लीकेज कि जो करप्शन जब जब वो खाते में नाम वाम होते थे पता नहीं कितने फर्जी नाम होते थे कितना पैसा गायब हो जाता था जो आप जानते हैं वो जो जो मशहूर स्टेटमेंट है कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है वहाँ पहुँचते पहुँचते दस पैसा हो जाता है तो ये दिस मिसिंग नाइन्टी परसेंट अब इसको हमने बंद कर दिया बाय डिजिटल एंड पीपल आर सिंक सी देर आर देर सिंग टू थिंग्स वन देयर सिंग गवर्नेंस इंप्रूवमेंट हाँ? कि आपको अभी जो है आपका पासपोर्ट ये मैं खुद अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ एक जमाना था आई मीन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बिना रिश्वत के कोई पासपोर्ट नहीं देता था इस देश में आपको यू हैव टू गो टू सम समर एंड गेट सम टेस्टिमोनियल कि भाई मेरा नाम यही है यू you नो know, वो आपको yeah. जानता भी नहीं था स्टिल ही वुड गिव यू दैट पीस ऑफ पेपर और बीच में एजेंट्स होते थे जिनको हाँ, पैसे हाँ, देना हाँ, पड़ते हाँ, थे हाँ, हाँ, टुडे आप जाएं पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं एंड यू सी हाउ क्लीन इट यस सो इट कैन बी गुड गवर्नेंस मीनिंग मोर ऑनेस्ट गवर्नमेंट यू नो कटिंग करप्शन इट कैन आल्सो बी एफिशिएंट गवर्नमेंट गवर्नेंस कि वही पासपोर्ट जो आपको छः महीने लगते थे साल लगता था आपको अब आप, uh, दो हफ्ते तीन हफ्ते में मिलते लास्ट वीक बिल गेट्स वॉज श्योर यू नो

हमारे लिए थोड़ा सा एक थ्रेड बन गया है राइट तो ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे थ्रेड बन जाएगी अगर हमने फास्ट एक्शन नहीं लिया हमने फास्ट प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करी तो नो no, uh, मुझे लगता है कि पीपल हैव बिकम मोर एक किस्म से दुनिया जाग गई है पीपल टुडे रियलाइज़ कि भाई बी uh, 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 केयरफुल माने कौन दोस्त है uh, और कौन फंसाना चाहते नहीं नॉट सो मच कौन दोस्त है कौन नहीं है कि आप ऐसे माने सिचुएशन uh, में uh, माने uh, कुछ भी ऑफर में हो थोड़ा सोच समझ के लेना हैं जैसे हम आई I mean, सलाह हम लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी देते हैं ना इफ सम ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू कि भाई एक बार सोच लो कहीं चक्कर है इसमें हाँ सो इट वुड बी आई वुड से लोग जो हैं कंट्रीज हैव बिकम मोर कॉशियस नाउ एंड हैव सीन कि ये कर्ज का जो है किस्सा ये आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है और इसमें लोगों ने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ था यू नो दैट केस ये अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट यस यू नो बट टू मी दैट दैट इज़ द लेसन कि हमने जो है इफ़ यू लुक मैं कह सकता हूँ आफ्टर ट्वेंटी फोर्टीन टुडे वी आर ट्राइंग टू बी एन ऑप्शन एंड इंक्रीजिंगली इन मेनी केसेज वी आर एन ऑप्शन But in the decade before that, we are not an option even in our own neighbourhood. I mean, uh, say we we watched this port being built in Hambantota. You know, we saw this. You know, we saw Gwadar come up. We saw mm. Hambantota come up. So uh, it is important to be aware. It is important to be competitive. It is important to have the record at home to be an option abroad. True. and yeah. that is. टूडे दैट इज टूडे द डिफरेंस यू नो आई मीन वेरी फ्रेंकली नो फॉर मी ऑल्सो इन अ फ्यू इयर्स आई वु एम वेल इन टू माई फिफ्थ डेकेट इन दिस बट आई 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 कैन फील दुनिया हमें दे लुक एट आज वेरी डिफरेंटली इनफैक्ट इंडिया के अंदर इंडिया के लोग भी बहुत अलग तरीके से देखने लग गए सो दैट दैट ड्राइव्स वॉट यू सेट कि पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट होगा नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परसपेक्टिव एंड नैरेटिव आई थिंक इंडिया के लोगों को भी ये बिलीव आ गया कि हम एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग आउट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट बट नेबर्स की हम बात कर रहे थे कि आसपास जो नेबर्स उनके लिए अच्छा ऑप्शन बनने के लिए राइट तो एक कोट है बहुत पुराने एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बोली थी बुनीतो हुआस कि मेक्सिको की सबसे बड़ी ट्रेजिडी है कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक है और भगवान से बहुत दूर है इट <laughs> <heard> <laughs> नहीं, नहीं, तो यू you नो know, ये एक बहुत ऑब्वियस सेंटिमेंट है जो छोटे छोटे देश होते हैं जो जॉइंट देशों के पास में होते हैं जैसे इंडिया एक जॉइंट देश है तो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि वो उनके खुद की प्रॉब्लम बड़े देश पर ब्लेम करते हैं हाँ, बिल्कुल और उनके अंदर कुछ भी चल रहा होता है तो वो दोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक बड़े देश की वजह से हो रही है तो हमारे पास में जैसे मोलडीवस है राइट तो हम कब तक कोई हमारी एक लिमिट है कि उनको कब तक ब्लेम करने दे सकते हैं या कब तक उनको डिसीजन लेंगे क्या रेड लाइंस हैं या क्या एक वो लाइन है जो वो क्रॉस हम नहीं करने देंगे और अगर उन्होंने क्रॉस करी कभी वो लाइन तो हम क्या एक्शन लेंगे नहीं देखिए ऐसा है कि जो एक तो जो, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसको मैं भी मानता हूँ और हम जो हैं इसी के कारण हमने ये नीति बनाई है नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे माने आबादी में या इकोनॉमी में या तो जो भी आप मैट्रिक लगाएं, आपसे छोटे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप यूल मेक वन मूव और वो एक करेंगे ये वन टू वन नहीं हो सकता जो आपसे माने आप उनसे दस गुना बड़ा है तो व टू मेक टेन मूव फॉर देर वन मूव हाँ तो सबसे पहले वी नीड टू बी जेनरस वी नीड टू बी जो कहते हैं ना हमारे यहाँ नॉन रेसिप्रोकल कि इट शुड नॉट बी कि आप करें मैं करूँ यू नो माने दिल खोल के करें देट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस और जो छोटे देश जो हैं जैसे ही आपने कहा कि कभी कभी वो उनकी जो अपनी प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरे पर डालते हैं तो वी हैव टू डील विथ इट Patiently, reasonably. Now, you ask me how uh, patient. I would say very patient. You ask me if there is, a, uh, you know, a red uh, line. <laughs> the red line. Look, these are not things you say in public. Okay. You know, Fair. these are things you you have to talk to them and make them reason. I I think we will, uh, you know, it's a question uh, of getting them to understand. Okay, this is, certain things are not in their interest. You know. Mm. Finally, what is जो हम कहते हैं ना डिप्लोमेसी इवन पॉलिटिक्स व्हाट इज इट अबाउट यू हैव टू रीजन विद पीपल मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखिए ये आपके हित में नहीं है ये नहीं करिए आप एंड आई हैव टू कीप एट इट सक्सीड पर तो भी जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से निकाल दिए एंड इट इज मोर थोड़ा चाइनीज फेवर में था तो ऐसी चीजें होती तो नहीं are, आप देखिए जो, जो, जो न्यूज पेपर्स जो प्रेस में आता है वो कभी कभी Uh, जो uh, हकीकत कुछ और होती है इट गेट्स पॉलिटिक्स गिव्स इट अ डिफरेंट कलर क्या so, हकीकत है थोड़ा uh, नहीं आई वुड से लुक वी विल आई एम कॉन्फिडेंट वी विल फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन देयर अ बेटर सॉल्यूशन गॉट इट यू नो एक क्वेश्चन है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूके कनाडा में हैं ठीक है वहाँ पे जो हिंदू डायस्पोरा है वो काफी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत माइनॉरिटी में एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्राम इंडिया कि जहाँ पर वो एज हिंदू वो स्टैंड टॉल कर सकें क्योंकि वो काफ़ी जो एक्स्ट्रीमिस्ट हैं वहाँ पर जो इस्लामिस्ट हैं ख़ालस्तानीज़ हैं जिनकी वजह से उनको उनके सामने मतलब डेली डर डर के जी रहे हैं थोड़ा लाइक दे कांट स्टैंड अपीज सिचुएशनस हम कैसे हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते क्योंकि ये फोबिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है जो आज से तीन चार साल पहले थोड़ा कम था अब ज़्यादा होते जा रहा है एंड दिस इज़ आव बीन हियरिंग फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु लिव देर तो मेरे दोस्त रहते हैं जैसे वहाँ पे तो एक तो पहला क्वेश्चन इस पर ये है कि ये दूसरी कंट्री का मैटर है तो इसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते पर ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम इंटरफेयर भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज है वो इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रही है तो हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करें बिना हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन नहीं ऐसा है जो आप फर्स्ट पॉइंट जो आपने ही कहा कि दूसरी कंट्री है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं सो वी हैव टू कीप उसकी अपनी मर्यादा भी होती है सो वी दैट इन माइंड दैट सेट जहाँ हमारे Uh, नागरिक होते हैं या जहाँ भारतीय मूल के की जो कम्युनिटी uh, कॉम जो होती है नेचुरली वी हैव वी हैव अ रिलेशनशिप एंड इंटरेस्ट ऑफ देट तो सो द फर्स्ट इशू हैज टू बी बैलेंस्ड विद द सेकेंड इशू देन थर्ड इशू विज अमंग क्या हो रहा है इसको हम हाँ, कैसे आप बैलेंस करें समझाएं कम्युनिटीज हैव टू फाइंड देयर बैलेंस बियॉन्ड अ पॉइंट ये यू नो इट कै नॉट बी दैट एवरीथिंग इज रन आउट ऑफ डेली एंड रन आउट ऑफ इंडिया बट जहाँ जहाँ लोग बड़े uh, खट्टर विचार के हैं बहुत एक्स्ट्रीमिस्ट हैं और कभी कभी एक्सट्रीमिज़्म जो है वायलेंस और इवन एडवोकेसी ऑफ टेररिज्म तक पहुँच जाती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड वेन वी टेक अ स्टैंड वी ऑफकोर्स टेक अ स्टैंड फॉर इंडिया बट उसी स्टैंड का प्रभाव आप वहाँ भी देखें आई आई गिव यू एग्जाम्पल टेक यू के सालों से यू नो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइसेंस वॉज गिवन टू वेरी एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस एंड यू नो पीपल वेर अलाउड टू गैदर आउटसाइड आवर हाई कमीशन डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड आवर हाई कमीशन इवन थ्रो थिंग्स एट आर हाई कमीशन एंड वी वुड टेल दम से प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मिस of ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिस इज नॉट फ्रीडम दिस इज मिसयूज ऑफ फ्रीडम सेकेंडली अगर आप ये सब करने देंगे लेट assume अज्यूम रोल्स reversed. आप नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके हाई कमीशन के सामने हो यू you नो know, दे यहाँ तो छोटी सी चीज़ हो जाती है वो इमिडियटली सब उछलने लग जाते हैं तो यू हैव इफ यू कीप इट लाइक दिस यू नो Uh, don't think that, uh, you know, life will be, uh, you know, completely on your terms. now, somewhere, i think, uh, despite our repeated warning, uh, repeated caution, they allowed a situation where actually somebody, you know, uh, came into our high commission and uh, took down the like indian it. flag, etc. now, you saw the enormous reaction in this country. now, yes, unna abnai, करेक्टिव लेने की कोशिश की है यानी जब वो लेते हैं इमीडिएटली देर इज एन इम्पैक्ट ऑफ इट इन दी कम्युनिटी ऑल्सो बिकॉज सी कम्युनिटी फील्स इनसिक्योर इफ दे सी दैट एक्सट्रीमिस रेडिकल्स पीपल अर्जिंग वायलेंस और गिवन सेंग भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच चल रहा है जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को सचमुच एक्यूरेटली असेस करें और कहें नहीं बट अदर देन फ्रीडम ऑफ स्पीच दर इज लॉ ऑल्सो See, freedom of speech cannot lead to violation of law. When law enforcement starts, that sends a message also. Yeah. So I think we, we we tell these countries, saying that we are monitoring you very carefully. And what happens in your country, we will judge you by this. Ab action le, ya action na le. We will Both are relevant for us. And uh, how we judge you, relationship will depend on that. so we have these dialogues on and yes. we monitor them very very yes. and and from time to time frankly I even say this in public hmm. that you know uh, do not confuse freedom of speech with misuse of freedom of speech and ah. and the other thing as I said that you know we have seen in recent times even threatening of jo हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी-कभी जैसे uh, लंदन में हुआ था कनाडा में भी यू नो दे वेर स्मोक बम्स विच वेर थ्रोन एक्सेटा वी विल नॉट अल्टर इट दिस वी विल वी विल टेक्ट्रिक्टशन्न क्वेश्चन हम फॉरन सर्विस बिकज़ आपने पूरी लाइफ इसमें स्पेंड करी है तो एक क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे हमारी फ़ॉरन सर्विस का क्योंकि राइट right ना अगर आप देखो बहुत सिंपली कि अभी ना एक्सपेंशन होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमें एक रेक्टेंगुलर टाइप की यू नो स्ट्रक्चर में पे है जहाँ पर हमारे डिप्लोमैट्स शॉर्ट होते हैं कि वह एम्बेसडर्स बनेंगी सारे नहीं अब अब नहीं है अब नहीं है ना होने चाहिए नहीं exactly. so uh, नहीं है नहीं, देखे, ऐसा है uh, एक तो ऑर्गेनाइजेशनली uh, कोई, कोई ऑर्गेनाइजेशन uh, को अशॉर्ट प्रमोशन नहीं देनी चाहिए हुँ. जिस दिन आप अशॉर्ट प्रमोशन देते हैं आप परफॉर्मेंस को डिवेल्यू कर देते हैं पहले ऐसा था हा? अब मैं कहूंगा कि अभी क्या हुआ है कि हमारी इनटेक बढ़ चुकी है और मैं चाहूँगा कि पिरामिड बढ़ती जाए बेस बढ़ता जाए नैचुरली बेस बढ़ेगा तो इट विल बिकम रेक्टेंग यू नो ऑलरेडी रेक्टेंगल नहीं है पिरामिड है बट इस पिरामिड को हम फैटर uh, पिरामिड बनाए yeah. बेस बेस शुड बी बिकर एंड इट कम्स डाउन टू जो आपने कहा मुझे लगता है कॉम्पिटिशन के लिए भी अच्छा कि hmm. हमें इंटरनली वो कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए दैट इट इज़ जो जो इट इज़ ये आपका हक नहीं है एम्बेसडर बनने का तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें एक्सपेंड करना अभी अभी हमारा इस पिछले साल एक एक्सपेंशन हुआ है करीब 20 प्रतिशत एक्सपेंशन हुआ है पर हम नए एम्बेसीज भी खोल रहे हैं कि uh, हमने बाल्टिक्स में खोला है अफ्रीका में खोला है कुछ लैटिन अमेरिका में खोला है जिस दिशा में हम जा रहे हैं मुझे लगता है एक तो हमारी एम्बेसीज और खुलेंगी दूसरा कि हमारा फॉरेन सर्विस जरूर और बढ़ेगा इसकी इनटेक जो है अभी तक हाईएस्ट ईयर हम करीब जिस साल मैंने जॉइन किया था बहुत साल पहले उस समय हम 20 थे उसके बाद हम कम आए कम हो गए एक माने नाइन्टीन नाइन्टीज़ में हम एटीज़ और नाइन्टीज़ में 10 12 तक इट एक्चुअली वन डाउन हाँ आज जो है वे hmm? आप बोलते हो कि आपकी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव रहा है या एक सोच है कि आप ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल वर्कप्लेस जैसे देखो हुँ. कि अगर इंडिया का कोई इंसान है उसका टैलेंट है दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकता है उसके लिए इंडिया खड़ा रहेगा करेक्ट लेकिन जब हम यूएस वीजा लेने जाते हैं तो वो छः महीने से साल भर की वेटिंग और वो बढ़ती ही जा रही है और वेटिंग वो धीरे धीरे और, और गंभीर होते जा रहा है तो हाउ किसी को अगर यूएस में काम करना है या दूसरी कंट्रीज में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उधर जाके काम करना है तो इसको नैरो कैसे करेंगे मतलब ये यूएस वीजाबर वीजा मेरे लिए पंद्रह दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे छः से सात महीने का वेटिंग है नहीं ऐसा है दिस इज़ फॉर अस अ बिग इशू इट इज़ अ बिग इशू क्योंकि जितना आप वीज़ा को डिले करते हैं इट इज़ नॉट ओनली वर्क प्लेस इवन मान लीजिए आप बिजनेस मैन हाँ या आपके रिश्तेदार हैं वहाँ या आप स्टूडेंट हैं एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दिस

they also need more consulates there and faster processing time because what be bharatana Chant. yeah so uh, i would say there would be maybe uh, 9 10 countries in the world today you know where there is a strong case for opening more consulates in india of those countries and of us in their, in their countries also of uh, Putting more consular um, faster processing. See, hum, we we sometimes underestimate ourselves. Frankly, today our uh, visa processing is one of the best in the world, because we have put most countries on e-visa. Yeah. हाँ. तो वो e-visa में क्या होता है? आप ऑनलाइन जाते हैं, आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, वो डेटाबेस से कोई चेक करता है, डेटाबेस में सब ठीक है तो आपको मिल जाता है.

Uh, with uh, uh, you know Blinken and with uh, you know the British and the Germans and the Australians. Is it is it happening? The new US embassy consulate. Do we have any confirmation? It will Are happen. I, I don't know the exact date. I, I uh, Bangalore but, will happen. Bangalore, yes, hundred percent. It. Will Ahmedabad happen. and Bangalore yes, both yes, will both. happen. Uh, yeah, absolutely. Yeah. I think unke wo budgetary, uh, you know they have to make the appropriation. Okay. Koi hoti hai. Uh, America अमेरिका के बड़ी इंडिया में we'll, दोनों जगह आने वाले वी वॉक अबाउट कंट्रीज है आप बता रहे थे कि नॉर्थ दस्ट कंट्रीज जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक है आई वॉन्ट फ्लिप द क्वेश्चन आस्क यू की फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फॉरिन मिनिस्टर कौन से सी ऐसी थ्री कंट्रीज हैं टॉप थ्री कंट्रीज जो आप बताओ जिसमें एक अंडर रेटेड अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको कि इंडियंस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं कर सकते हैं क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी बहुत फेमस हो गया इंडिया हर जगह हर एक छोटा बिजनेस चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करके बड़ा बने और इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो बड़ी कंट्रीज़ में तो बहुत सारी बड़ी एम ने अपॉर्चुनिटीज़ टैप कर लिए तो कौन सी सी तीन आपको लगती है कि जो अंडर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकते हैं ऑप्शनस एंड वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है मे बी लोग उसको इतने ध्यान से देख नहीं रहे इंडिया से देर विल बी मैनी कंट्रीज वेर मार्केट परचेसिंग पावर इज स्ट्रांग मार्केट पोटेंशियल इज ग्रेट बट हमें वहाँ वी हैव टू मेक अ बिगर एफर्ट बिकॉज पार्टली कॉम्पिटिशन एंड पार्टली देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बैरियर्स लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा देन देर विल भी सम कंट्रीज जहाँ हमने वी हैव नॉट डेवलप द मार्केट सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द फस्ट कैटेगरी ऑफ कंट्रीज बट इफ़ यू पुश देर इज़ नो रेजिस्टेंस माने हम पे डिपेंड करता है जितना हम ज़्यादा पुश करें उतना अच्छा मार्केट बन जाएगा सो फर्स्ट कैटेगरी आई वुड से वुड बी मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज वी आर देर वी आर देर इन गुड नंबर्स बट इफ यू मी वेर विल वी सी द इंक्रीज इन ग्रोथ वी विल सी इट मोस्ट ऑफ ऑल इन वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज मार्केट आर मेच्योर दे आर पावर परचेसिंग पावर इज हाई रिकोगशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग So you mean France, Germany, all, all Europe, Europe, North America. You know, then there will be countries like uh, like uh, Africa. I would say even Latin America. You know, Latin oh. America. You see potential from India. They're buying. Yes, yes. Yeah. In fact, it is it is quite interesting. Not only they are buying, even we are buying. Yeah. <laughs> that today with Latin America trade is about forty five billion dollars every year. You know, mm, you know there are many places.

Uh, the second category we should be pushing very strongly these newer markets then there are market. places where actually the market barriers are very high you know china china uh, is the most extreme uh, example i've just come from uh, it, uh, only yesterday night from korea and japan hmm. and i you know i've been pushing them also saying that look you know given how much investment there is we're not seeing enough trade so and and we should look at market barriers uh, in this. So in the uh, in the uh, let us say next five ten year perspective, I yes. think we should really push uh, the exports because ultimately exports are employment. Yes, and it's not just employment; it is very competitive employment. That you are making products at a globally competitive rate. That means your efficiency of production is is very good, mm -hmm. and uh, yeah. we. आई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज लास्ट थ्री फोर इयर्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज बीन वेरी गुड यू नो कोरिया की अब बात करें तो कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज करती है फॉर द स्किन केयर एंड ब्यूटी मार्केट स्पेसिफिकली की दे टेल की आप कोरिया में बोलते हैं वो कि आप गवर्नमेंट के पास आओ एंड गमेंट आपके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी वो आपके लिए वर्ल्ड में ट्रेड ओपन करेगी हर चीज़ करेगी इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का जहाँ फिर yes, वो इंडियन बिजनेसिस को इन्वाइट करती हो बोले कि यू गिव एज गुड प्रोडक्ट्स हम आपके लिए दुनिया में no, जाके मार्केट करके बैगेर से ओपन करेंगे हम लोग जो हैं ट्रेड प्रमोशन काफ़ी करते हैं दट वी डू इवेंट्स जो ट्रेड फेयर्स वगैरह जो हुँ. होती हैं इट्स माने मोटा मोटा वही होता है पार्ट ऑफ इट हाँ कि वी इन्वाइट पीपल बट जैसे अभी आ, पिछले सालों में जो हम ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कर रहे हैं ना वी हैव ट्राइड टू शो टू पीपल दैट यू नो अगर एक तो है कि ये कोई प्रोडक्ट hmm. अगर प्रोडक्ट के साथ आप ये भी मैसेज दें ये आपका हेरिटेज है ये कल्चर है ये story माने देर इज़ अ स्टोरी विद दैट प्रोडक्ट सो इट कैन बी अरकू कॉफी यू नो और इट कैन बी तंचो सिल्क जैसे uh, जो uh, ला जब ये हमारे जी ट्वेंटी मीटिंग्स हो रहे थे ना मुझे लगा कि हम वही चीज देते हैं यू नो यू मस्ट है स्टोरी तो Uh, I got uh, actually ties made from uh, tanchoi uh, uh, Banarsi silk, and gave it to them, and gave them a, the the story which goes with it. You know, so uh, today I mean marketing has many uh, you know ways yeah, yeah, to do yeah, it. Yeah, yeah, and and governments see governments also need to be good at marketing. Mm. You know, because we have a country story. In fact, we have a civilization story. दैट हमें सिविलाइजेशन स्टोरी भी होना चाहिए कंट्री स्टोरी भी होना चाहिए वैल्यू स्टोरी भी होना चाहिए प्रोडक्ट एक्टिविटी स्टोरी भी होना चाहिए या आई एम वेरी होपफुल विद दिस गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बिकॉज यू गाइज आर रियली नीलिंग इट द वे यू है नरेटिव ऑफ इंडिया अराउंड सो मैं यू में था जब मैं सत्रह साल का था तो मैं यू एन एड गया था वी एंड दस साल पुरानी बात है तब मैं जब मेरे उधर दूसरे कंट्रीज़ के फ्रेंड्स से मिलता था दूसरी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स थे और जो लोग थे जो मुझे वो मुझे जिस तरीके से जो देखते थे इंडिया को और जिसे जिधर से मैं आया हूँ वो जैसे देखते थे कि ये कौन होगा वर्सेस hmm. जब मैं आज उनसे बात करता हूँ तो उनकी रिस्पेक्ट लेवल इट्स नॉट टेन आई थिंक इट्स फिफ्टी इन टर्म्स ऑफ दे आइस कि जिस की तुम बहुत सिग्निफिकेंट बन गए हो कि कब हुआ एंड दे जिस की पास्किंग मी दिस आई थिंक दैट वे यू गैज डन एंड उनके ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है बट जस्ट नैरेटिव उनके आसपास इतना लगता है उन्हें हम बहुत सिग्निफिकेंट बनते जा रहे हैं सो इट्स अ ग्रेट जॉब लुक टू डू दैट एंड टू कंटिन्यू डूइंग नेवर एंडिंग दो चीज़ चाहिए वन यू टू कंटिन्यूसली मोटिवेट हाँ बिकॉज जो एक बार आप मोटिवेट करते हैं एज आई शेट मेनी थिंग्स आपको लगता है कि मैं नहीं ये, ये मेरी क्षमता के बाहर है बट यू एक्चुअली कैन डू इट हाँ सेकेंड इसमें बहुत मेहनत भी लगता है दैट यू नो अब पीपल सॉ दिनिश प्रोडक्शन ऑफ द जी ट्वेंटी ओके बट इफ यू सी लाइक अ बैक स्टेज माने आप जी ट्वेंटी hmm. okay. like, को एक किस्म से ऐसे देखे वॉट वॉज हैपनिंग इन द बैक स्टेज ऑफ जी ट्वेंटी effort which एफर्ट विच वेंट इन टू इन टू इट बट ऑल्सो I, I see the the achievements uh, which which we do. You know, I I have like a you know like a few lines for. So kavi you need to say some things even in your sleep, no? mm. So uh, my favorite uh, four line description. People say describe change of in India. You tell a foreigner uh, that we build eight airports a year. Mm. Okay, we build three metros every two years. Uh, we actually build, we are creating two colleges a day. okay, we have, you know, the 7,000 new colleges have opened up. so if you give, you know, numbers which wake them up, you know, and say, okay, i mean, it could be train numbers. we built 28 kilometers of highway a day, a yeah. day, you know, which is, which is incredible. you said recently, like, actually a while ago also, and you keep seeing this, that, uh, you know, पीएम मोदी के अलावा आपको कोई फना ये मिनिस्ट एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देता नहीं <laughs> तो ऐसा क्यों बोलते हो आप मेरा चुनना जो है क्योंकि आप अब मंत्री किसी को मंत्री बना रहे हो तो एक किस्म से मैं कहूँगा मुझे लगा कि बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था और मैं इसका कारण मैं समझता हूँ कि दो हज़ार के बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय में यूएस में राजदूत था तो आपको याद होगा एक बहुत बड़ा विजिट हुआ था जहां वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह ये ये कार्यक्रम हुए थे तो और पंद्रह में मैं विदेश सचिव बना तो मैंने तीन साल विदेश सचिव के जिम्मेदारी मैंने सौंपा और उसमें हम लोग मैंने साथ ट्रैवल करते थे मैंने मीटिंग्स वो विदेश सचिव एक सचिव हैं जिनका पीएम के साथ बहुत कुछ डीलिंग्स होते उसके बाद मैं रिटायर हो चुका था मैं कॉरपोरेट सेक्टर में था उस समय मैं मैंने टाटा टाटा सन्स ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि अगर मैंने मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी की हमारे पॉलिटिक्स में ये सोच होती कि ऐसे व्यक्ति को आप विदेश मंत्री बने आ, मैं मैं कहूँगा वो, वो अनऑर्थोडॉक्स भी था और हो सकता है क्योंकि उनका कुछ अनुभव होगा उन्होंने कुछ देखा होगा कि इसमें माने बेनिफिट है तो एक तो है कि उनके अलावा मुझे लगता है कि कोई और मुझे चुनता नहीं पर मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ उनके अलावा अगर कोई मुझे ऑफर देता मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीकार करता क्योंकि देखिए जिसने कभी राजनीति नहीं की मैंने राजनीति बहुत देखा मैंने एनालाइज किया क्योंकि जो डिप्लोमैट्स क्या करते हैं वो मैंने राजनीति ही स्टडी करते हैं दूसरे देशों का करते हैं ज़्यादातर कि आ, तो आपको एक किस्म से कमेंटेटर या एनालिस्ट के बजाय जब आप अचानक प्लेयर बन जाते तो इट्स अ बिग जंप या। और आप मेरी नर्वसनेस समझिए उस समय <laughs> कि आ, आप अचानक किसी से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आप मैदान में उतरिए यू स्टार्ट प्लेइंग नाउ तो और मुझे उन पर विश्वास था कि कह वो एक किस्म से गाइड करेंगे सपोर्ट करेंगे और उस रोल में क्योंकि सबको चिंता तो होती है कि कोई कुछ नया रोल है तो अगर uh, वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा हाँ वो वो भी फीलिंग होती है. तो uh, तो मैं तो लोगों को कहता हूँ मोदी जी ही मुझे चुनते और मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हाँ उस समय मैं भर सकता आपने एक पॉडकास्ट पे ऐसा बोला था कि इंडिया की जो राजनीति है वो कई बार न्यूयॉर्क और लंदन से शुरू होती है और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की राजनीति इंडिया से कई पहले कहीं दूसरे देशों में स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब क्या होता है ऐसे क्यों बोला <laughs> नहीं मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उस समय मैं देख रहा था और मुझे लगता है वो अभी भी जारी है कि ये ये ग्लोबलाइज दुनिया है और इस ग्लोबलाइज दुनिया में खाली व्यापार माने इकोनॉमिक्स ही ग्लोबलाइज नहीं है टेक्नोलॉजी ही ग्लोबलाइज नहीं है पॉलिटिक्स भी ग्लोबलाइज हो चुकी है तो दुनिया में एक मैं कहूँगा एक ग्लोबल एलिट है जो बड़े न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ मीडिया चलाते हैं एक किस्म से दुनिया की सोच जो है वो तय करते हैं। और उनको लगता है कि हम जो कहेंगे दुनिया में वही होगा अब जो उनके कहने के बावजूद अगर भारत देश जैसे देश में कुछ होता है तो उसका वो विरोध करते हैं हा? और तो क्या होता है कि जैस जैसे मान लीजिए चुनाव का समय है तो वो कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए उस पार्टी को नहीं दीजिए कहेंगे कि अरे डेमोक्रेसी भारत में ख़तरे में है कहेंगे कि पता नहीं इंस्टेबिलिटी आ जाएगा इंटॉलरेंस हो जाएगा तो और मैंने ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं इन्होंने बहुत दिमाग इस पर खफाया yeah. तो जैसे इंडेक्स बनाते हैं hmm. तो आपको कहीं नीचे कर देंगे किसी को ऊपर कर देंगे तो ये ये सब एक किस्म से ये एक गेम है जो हाँ गेम है तो मुझे लगा कि ए, मैं ये देख रहा था कि जो यहाँ जो राजनीति में ए, जिनको सक्सेस नहीं मिली और जिनके तर्क जो हैं यहाँ माने उसका उसका ट्रैक्शन नहीं था वो क्या करते हैं वो देश के बाहर जाते हैं और वो वही मैंने रिकॉर्ड वही प्ले करते हैं वहाँ और उनको लगता है कि अच्छा वो रिकॉर्ड रेकौर, रिकॉर्ड प्लेयर आप किसी और लोकेलेटी में ले गए तो हो सकता है कि वहाँ एक किस्म से गाना वहाँ से शुरू करें उसका एको चैम्बर होता है तो आप देख रहे होंगे कि पिछले सालों में ये आ, आ, हमारे पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना हुँ। हुँ। और एक किस्म से बाहर लोगों को इनवाइट करना कि अब साहब साहब आप भी आइए प्लीज़ कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ माई डेमोक्रेसी वॉट इज़ हैपनिंग इन इंडिया आ, मैं नहीं कह रहा कि देश में सब हंड्रेड परसेंट ठीक है है hmm. अब सब वी आर ऑल इम्परफेक्ट और एंड डेमोक्रेसी बाय नेचर जैसे कहते हैं इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस कोई भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकती कि भाई हम अब हंड्रेड परसेंट हम माने वहाँ वी अचीवड एवरी थिंग पर ये जो बाहर से लोगों को इंकरेज करना बाहर जाकर इंक्रेज करना इसके इसीलिए इस पर मैं इस पे टिप पे नहीं पे करना सो यूजुअली मतलब इसका अगर मैं मीनिंग थोड़ा इजी वे में अगर बोलना चाह रहा हूँ तो ऐसा है कि अब करेक्ट मीफ एम रॉन्ग कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि इंडिया का सिग्निफिकेंस बहुत तेज़ी से बढ़े और इसकी वजह से वो बाहर पॉलिटिक्स करते हैं और मे बी एक नैरेटिव एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं दुनिया से फंड्स दुनिया से ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप वो अफेक्ट हो इज दैट वट यू मीन इन समे पार्टली बट पार्टली आई ऑल्सो से कि आई मीन इंडियंस, जी अगर कोई बाहर के कोई ताकत हो दे डोंट वॉन्ट इंडिया टू ग्रो ओके आई अंडरस्टैंड ओके दुनिया में कॉम्पिटिशन है स्पर्धा है दैट इज अचुरल नैचुरल यू कैन से ऐसे देश होंगे जो नहीं चाहते हाँ नहीं देखिए अल्टीमेटली दुनिया में जब करीब 200 देश हैं फाइनली hmm. आप जब कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स एक्सेट्रा क्या होता है 200 हंड्रेड पीपल कंपीट अब 200 हंड्रेड पीपल कंपीट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे डोंट थिंक एवरीबडी एल्स ताली बजा रहे हैं इन द हार्ट ऑफ हार्ट डिफरेंट पीपल विल ऑल्सो हैव फीलिंग्स अबाउट इट इफ यू आर बिहाइंड बिहाइंडस्टरडे बट यू आर अहेड टूडे तो दिस विल हैपन आई कैन अंडरस्टैंड पीपल बाहर से लोग ये चाहें ये करें ये गेम्स जो आप हम कह रहे थे वो वो प्ले करें पर मेरा जो कंप्लेन जो है कि हमारे देश से पीपल फ्रॉम इंडिया शुड नॉट बी एंकरेजिंग एट एन इन दिस इज माय प्रॉब्लम आपको जो कहना बिल्कुल देश में कहिए आई आई हैव नो इशूज विद यू नो आई मीन आई आई रेयरली आई यू नो जब मैं बाहर जाता हूँ एंड आई डू लॉट ए मीटिंग सेट लुक यू आर आसमी दिस क्वेश्चन इन इंडिया एंड मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा बट डोंट टेक मी आउटसाइड द कंट्री एंड डू दैट पॉलिटिक्स मुझे लगता है इट हार्मॉज वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री वेयर दैट आर ओन पीपल समटाइम्स आई एम नॉट टॉकिंग नाउ आई एम टॉकिंग हंड्रेड ऑफ यर्स मैंने किसी यहाँ झगड़ा था अपने बाहर के आदमी को बुला लिया टू टू सेटल एंड वो उसके बाद वो वापस कभी नहीं गया। यू नो इन दिस है एंड इन वन पॉट का आपने बोला कि आप एज अंगशन हो. हाँ, right? होता है हाँ. तो इन योर करंट रोल पांच साल में कभी कोई ऐसा डिसीजन है जो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन लिया है आपने नहीं, कि मैं कंपेटिटिव मुझे नहीं देखे ऐसा है एक्चुअली यू इट इज नॉट लाइक टुडे इज मंडे मैं कॉम्पिटिटिव हूँ इज ट्यूजडे मैं नहीं हूँ hmm. वो आपके जहन में है दैट यू यू इट्स योर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिन तो वॉट हैपन्स नॉर्मली जो होता है आई आई गो आउट आफ्टर ऑल पूर्टनीति क्या होते यू ट्राई टू मेक मैक्सिमम फ्रेंड्स हाँ तो आप लोगों को समझाते हो पटाते हो माने यू पुट यान अराउंड द शोल्डर ऐसे ही यू नो हाँ, you know, अपना काम करवा दो बट वॉट हैपन्स इज क्योंकि कॉम्पिटिशन है बीच बीच में लोग आपको प्रेजराइज भी करते हैं hmm. ज़्यादातर जो सौदा जो होता है हार्ड नेगोशिएशन जो होते हैं वो कमरे के अंदर होते हैं यू नो सो सो देर आर डिफरेंट इशूज इट कैन बी बिजनेस कम यू नो इकोनॉमिक इशूज़ और इट कैन बी टेक्नोलॉजी इशूज़ या पोलिटिकल इशूज अब जैसे आप बॉर्डर के बारे में चीन चीन वाले बॉर्डर एरियाज में तनाव है उस मैं और मेरा जो काउंटर पार्ट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है हम नेगोशिएट करते हैं हुँ? ये होता है पर क्या होता है कि बीच बीच में लोग कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पब्लिक फोरम में दबाव डालें हुँ? हुँ? और यह सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा ये वेस्टर्न मीडिया की आदत है कि उन्होंने क्योंकि उनको उन्हों लगता है कि अभी दुनिया में नंबर वन इशूज़ यूक्रेन एंड रशिया तो पूरे दुनिया को यूरोप के परिपेक्ष से या वेस्टर्न वर्ल्ड के परिपेक्ष से देखना चाहिए उनकी प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए तो जब आप ये इसको मंजूर नहीं करते जब आप कहते हैं नहीं नहीं सॉरी एक्सक्यूज़ मी आई एम वरीड अबाउट ऑयल प्राइस यू नो लुक एट माय इनकम लेवल लुक एट माय पब्लिक डिमांड तो उस दिन दे स्टार्ट दिस प्रेशराइजिंग गेम यू नो पुशिंग गेम एंड दैट इज़ वेयर You, your competitive sense comes out because you yeah. you 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 kind of uh, spoil the game you know right uh, बीच में अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपको दो सौ देशों के बीच में रहना है तो आपको बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी and India का narrative भी अब बन रहा है कि हम विश्व मित्र बन रहे हैं वी आर ग्लोबल फ्रेंड्स हम हर किसी के दोस्त हैं राइट डू यू थिंक एक कोर्ट होती है हिंदी में मैं पर्सनली जिस पूछ रहा हूँ कि एक कोर्ट होती है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता तो यू थिंक नहीं नहीं मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता बल्कि मैं, कोई एक नहीं है बल्कि मैं आपको दूसरा कोट दूंगा सबका साथ सबका विश्वास <laughs> <laughs> कि देखिए ऐसा है जो आप माने सबका साथ जो आप जो कह रहे हैं कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते अगर जो आप कर रहे हैं उसमें वो सिंसियरिटी नहीं हो उसका मतलब वो है कि आप कुछ कर रहे हैं पर माने आप दिल से नहीं कर रहे हाँ तो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप सबके साथ हैं पर हमारी जो कोशिश जो पिछले दशक में है कि हमने अब आप जो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कोविड के समय में क्योंकि अभी भी जो कोविड का जो असर जो है मैंने हम समझते हैं कि कोविड चली गई है पर मुझे लगता है अभी भी दुनिया कोविड से जूझ रही है उसका जो जो परिणाम उसका जो प्रभाव जो है वो अलग अलग देशों में अभी भी दिखाई देता है अब बहुत सारे ऐसे देश हाँ? जिनको लगता था कि भाई हमारा कोई चांस ही नहीं है वैक्सीन मिलने का माने हमारा नंबर वन थर्टी वन फोर्टी में होगा तो पता नहीं कोविड आए चले जाए तब भी वैक्सीन ना आए अब वो उनको उनका फीलिंग कि भारत जैसे देश ने क्योंकि एक तो हम विकासशील देश हैं दूसरा कि हम खुद उस समय अपना वैक्सीनेशन कर रहे थे हुँ। हुँ? और फिर उन्होंने हम तुलना भी की कि जो विकसित देश और कुछ ऐसे उनके बगल वाले देश जैसे अब नॉर्थ अमेरिका में हु? कुछ देश थे जिन्होंने जो उनकी आबादी जो है आठ गुना उन्होंने वैक्सीन परचेज की माने दस करोड़ लोग होंगे तो उनके पास अस्सी करोड़ वैक्सीन के दोष थे उन्होंने वो डोसेस बगल वाले कोई छोटे देश को दिया नहीं पर जो उनको वैक्सीन जो मिला वो दूर से मिला भारत से मिला हु? तो मुझे लगता है अभी कि आ, एक जो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से देखते कि जब मैं संकट में था उस समय कौन आया किसने साथ दिया किसने हमारे लिए कुछ किया और उसमें सबके साथ जितने लोगों के साथ होना और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो जी ट्वेंटी जो चल रहा है कि मैं अब जी ट्वेंटी सालों से चल रहा है मेरे ख्याल से अट्ठारह व सत्रह या सेवेंटीन एटीन जी ट्वेंटी था और मैं खुद मैं दस साल से मैं इस पर विदेश सचिव और विदेश मंत्री के नाते मैं अटेंड कर रहा हूँ अभी तक किसी भी जी ट्वेंटी देश ने जो अध्यक्ष हैं अपनी अध्यक्षता में ये नहीं कहा कि भाई आप जो एक सौ पच्चीस सवा सौ जो विकासशील देश हैं आपकी अपनी समस्या है अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें बताइए दुनिया के सामने हम इसको कैसे पेश करें हम पहले लोग थे जिन्होंने ये किया अब अफ्रीकन यूनियन मैं सालों से देख रहा हूँ हर साल जो है हर जी ट्वेंटी में वो ये ये विषय आता था अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप बनाना लोग ने कहा हाँ हाँ बनाना है मीटिंग के अंत में कुछ नहीं होता था कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं अगले बार बना लेंगे तो इस समय मोदी जी ने तय किया नहीं मैं आई विल टेक द लीड आई विल राइट टू पीपल पीपुल यू नो वी वी शुड डू एंड यू नो आई सी क्योर कनकरेंस एंड एवरीबडी सबको मानना ही पड़ा तो पीपल सी देखिए डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स में भी मैं कहूँगा सिंसियरिटी की कुछ बहुत वैल्यू होती है कोई भी कुछ कह सकता है पर जो 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 एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ना यू कान फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम तो पब्लिक देश में भी अगर आप हमारी राजनीति में भी देखें पब्लिक पहचान लेती हु इज़ सिंशियर हु इज़ नॉट किसका किसके वादे पे आपको कितना भरोसा करना चाहिए एंड द सेम थिंग हैपेंस आउटसाइड तो जो मैं मैं तो पीएम को कहता हूँ कि आज जो हम जो कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी ये मोदी की गारंटी पिछले दस साल से दुनिया मानती अगर आप अफ्रीका में जाएं, अफ्रीका को लगता है कि इनफैक्ट एक्चुअली जो जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जो थे अभी नहीं पिछले वाले hmm. उन्होंने कहा कि यू गारंटीड मी यू गारंटीड दैट वी विल डू इट एंड यू हैव लिव्ड अप टू इट ये मोदी की गारंटी जो है इट इज़ अ इट इज़ अ वर्ल्ड ग्लोबल मैसेज इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन इंडियन मैसेज यू you नो know, आप सिंसियरिटी की बात कर रहे थे एंड गारंटी की बात कर रहे थे दिस गेट्स मी यूर लास्ट क्वेश्चन मेरा पूरा जो चैनल है हम लोग जो सब कोशिश कर रहे हैं उसमें हम हमेशा बात करते हैं कि हम लोग वी आर फिगरिंग आउट द इंडियन ड्रीम हम इंडियन ड्रीम को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टार्ट इससे हुआ था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एंड ये हमारी पूरी ऑडियंस को भी लगता है कि पहले ना एक ड्रीम की बात होती थी अमेरिकन ड्रीम hmm. उसका मतलब ये कि आप किसी भी देश से हो किसी भी कास्ट से हो किसी भी कलर से हो किसी भी पावर्टी बैकग्राउंड से हो किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अब कहीं से भी अगर आप अमेरिका में आते हो तो आप एक ही जनरेशन में जीरो से मिलेनेर बन कर, सकते हो हीरो कर, बन सकते हो कर, वो कर, अमेरिकन ड्रीम है मुझे लगता है कि वो गॉन आर दोज डेज इंडियन ड्रीम की रियलिटी है इंडिया में आप कहीं से भी हो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप यहाँ पर एक ही जनरेशन में किसी भी बैकग्राउंड से आते हो तो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो एंड दिस इज़ वाई द होल चैनल इज एंड ये हम कोशिश करेंगे कैसे लीडर्स को लेकर और उनसे कॉन्वर्जेशन समझने की कोशिश करें ताकि हर इंसान के लिए इंडियन ड्रीम अचीव करना ईजी हो जाए सो द क्वेश्चन इज आपके लिए इंडियन ड्रीम क्या है नाउ जस्ट थिंक बिकॉज आई लुकिंग एट सम इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस टुडे वी आर अबाउट रफली से थ्री एंड हाफ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन

in india would be about 18000 dollars really huh. now from today your per capita income is less than 3000 dollars 2600 something yeah. Yeah. so uh, just think and it isn't only i'm giving you this just as a way of imagining because reality is we cannot you know in a way it is good you used the word dream because so many things are going to change yeah you know ai will come होल आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज नेटी ऑफ लाइफ विल चेंज तो आई वुड से यू नो वेन यू से आपके लिए क्या ड्रीम है नैचुरी बिकॉज माई होल लाइफ इज स्पेंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन फॉन पॉलिसी आई विल लुक एट इट फ्राम दैट कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉट इज़ आर पोजिशन दट टू मी

कहाँ वीजा मिलता है कहाँ नहीं मिलता है तुम ही पासपोर्ट इज पावरफुल वेन दैट गवर्नमेंट हैज़ द कमिटमेंट टू टेक यू आउट फ्रॉम वेर एवर इट इज़ एंड बिलीव मी इफ यू यूज दैट इज़ एन इंडेक्स यू विल गो अप मेनी मोर पोजिशंस इन द पासपोर्ट इंडेक्स तो इट वुड बी वॉट इज योर इन्फ्लुएंस हाउ आर यू रिगार्डेड वॉट इज़ द पावर ऑफ योर आइडियाज यू नो बिकॉज यू विल बी अ ग्रेट पावर वेन योर आइडियाज काउंट आई मीन Today it is not only the American dream, it mm. was what the Americans did was the Americans actually intellectually dominated mm. you know. uh, So the power of your ideas, the manner in which our people are regarded. Uh, and, and I think a lot of these and, and of course naturally a lot of it depends on how things go uh, well for us, yes. That's all. Thank you so much, sir. I have so many more things to talk about, but I know we are short on time. आपने इतना time दिया इतनी बातें करी It's an honor. मैं स्टार्टिंग में ये बोल नहीं पाया और मुझे बोलना था पर मैंने वेट किया एंड तक मैं जेनविनली आपका फ़ैन हूँ okay. और मुझे ये बहुत ऑनर्ड लगा कि मैं आपके साथ ये कर पाया मेरी बकेट लिस्ट में आपका नाम था कि मैं एक बार आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस I was genuinely nervous, but you made it super easy. And thanks for answering everything very gracefully. It's been a pleasure, sir. Thank you so much. Oh, no, thank, you. you, you. I this. I enjoyed it too. And मैं आपको एक बात कहूँगा कि जैसे मैंने कहा ना देखे सबको कुछ नया experience होता है तो थोड़ी nervousness तो होती है जैसे मुझे भी हुआ जब मैं मंत्री बना but मुझे लगता है आज जो है आई एम आई एम एक्चुअली सो मच मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंट्री आई मीन मैं यहाँ कोई पोलिटिकल पॉइंट नहीं कर रहा आई एक्चुअली फील कि हम लोग उस आज मैंने उस मोड़ पर आ चुके हैं दट देर इज एक्चुअली अगर इफ दर आर एनी लिमिट्स वो हमारे अपने आत्मविश्वास के कारण होगा दैट वी वी हैव दिस एबिलिटी रियली एंड एंड दैट The young people, you know, Should. young people of this country will realize. Uh, and uh, uh, you know, uh, for me, when I look even at more contemporary ways of communicating and reaching out, uh, this is something you know which is really for me very, very interesting. So uh, let me thank you for a very enjoyable uh, experience. Thank you so, so much. Up, uh, uh, so let us see. I mean, after uh, you know, the, I think agle kuch.

आप सिर्फ कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि मैंने और मेरी टीम ने कैसा काम किया क्या आपको लगता है हमने सही क्वेश्चंस पूछे क्या आपको लगता है कि हमारी प्रोबिंग सही थी हमारे क्वेश्चन सही थे हमारी रिसर्च सही थी या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार राज तुझे बहुत इजी क्वेश्चन पूछने चाहिए थे ये बहुत डिफिकल्ट हो गए यहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें और डिफ़िकल्ट पूछने चाहिए तो हमें ये बताओ क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी थी और उस फीडबैक को लेके हम और बेहतर तैयारी करेंगे अगली बार जब हम डॉक्टर जयशंकर से मिलेंगे ताकि आप लोगों को सबसे बेस्ट वैल्यू मिले और आपको कंट्री के बारे में सीखने को इतना कुछ मिले कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ कंट्री की ग्रोथ के बारे में भी ध्यान देने लग जाए थैंक यू सो मच प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा जिसको देश के बारे में देश की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फरिंग आउट